हमारे साथ है बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चौग जी हमारे साथ है। सर शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद तरुण जी। सबसे पहले ये बताइए कि जो 370 और स्टेटहुड को ख़त्म करने का जो फैसला था उसके बाद नया कश्मीर का स्लोगन लगा यहाँ पे, ये मुख्तसर से बताइए तब से आज तक नया कश्मीर में क्या हुआ? ऐसा है कि कश्मीर आगे बढ़ा विकास की तरफ। आप देखिए आज 28,000 करोड़ रुपया इंडस्ट्रियल पैकेज के लिए आ रहा है। पूरे देश से लोग इंडस्ट्री लगाने के लिए, लोकल इंडस्ट्री को ग्रूम अप करने के लिए हमने काम शुरू किया है। गैस पाइपलाइन शुरू हुई है, यहाँ हर आदमी की स्वास्थ्य सेवा के लिए उसको गोल्डन कार्ड दिए गए, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा, टनल्स बन रही हैं। जम्मू कश्मीर अब शांति की ओर बढ़ा। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अधिकार जो छीने हुए थे, यहाँ के एससी नागरिकों के, एसटी नागरिकों के, महिलाओं के अधिकार छीने थे, वो सारे अधिकार उनको वापस मिले। तरुण जी, जो बजट पेश किया गया उसमें जम्मू कश्मीर को 30,000 करोड़ रुपए दिए गए, इसमें रखा गया जम्मू कश्मीर के, लेकिन यहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी जो है, जो यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मेमोरेंडम दिया है कि 5/1/2019 से आज तक 1,00,000 करोड़ जो है लॉस हुआ है। क्या आप समझते हैं कि जहाँ 1,00,000 करोड़ और 30,000 करोड़, इसमें एक बड़ा फ़र्क है, ये जम्मू कश्मीर में सफिशिएंट है? आप जो पिछला लगभग 1.5 दशक 2 दशक जम्मू कश्मीर को किन लोगों ने आग में झुलसाया, किन्होंने यहाँ के बच्चों के हाथ में पत्थर और AK-47 पकड़ाई, वो लोग इसके जिम्मेवार हैं। भारतीय जनता पार्टी नई सुबह की ओर लेके जा रही है, विकास की ओर लेके जा रही है। मिलिटेंसी अभी भी है, लड़के अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा है कि अभी मिलिटेंसी नहीं है। आप जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बदनाम मत करिए, लोगों ने विकास चुना है, लोगों ने डेमोक्रेसी चुनी है। बैलेट नहीं, बैलेट पे विश्वास, बुलेट नहीं चाहिए। 9,00,000 लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी बदल आया, ये बदल आगे बढ़ेगा। स्टेप्स हैं, एवरी स्टेप इम्पॉर्टेंट है। अगला स्टेप, क्योंकि 9 महीने लगभग लॉकडाउन ये वो सब चलता रहा, अब विकास तेज़ी से बढ़ेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अभी भी कशीदगी है, हम वहाँ आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये तो पक्की बात है। लोगों को तंग नहीं किया जाएगा, ये भी पक्की बात है। गैर झूठा किसी पर कोई पर्चा डाला जाए, ये किया जाए, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुए यहाँ पे, BDC के इलेक्शंस हुए यहाँ, DDC के इलेक्शंस हुए, और कल शाम को यहाँ पर इंटरनेट 4G को रेस्टोर भी किया गया। क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे जो असेंबली के इलेक्शन से, कब तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन? जल्दी ही असेंबली इलेक्शन आएंगे, और जनता ने जैसे लोकसभा में अपना प्रतिनिधि चुना, पंच में सरपंच चुना, वैसे ही DDC चुना, अब वो अपना विधानसभा में CM चुना। जो फार फ्लंग एरियाज है, जो दूर दराज इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, कश्मीर वैली के स्पेशली, इतने एरियाज में अभी भी सड़कें जो है कहीं नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फैसिलिटीज नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नहीं है, लेकिन कौन जिम्मेवार है? 70 साल जिम्मेवार, आप तो 2014 से आपकी हुकूमत, नहीं नहीं 2014 से आप देखिए 70 साल जिन्होंने राज किया वो जिम्मेवार है, या जिन्हें अभी लॉकडाउन के बाद शायद 1.5-2 महीने हुए। हम लगातार विकास के लिए पैसा भी रखा है, काम भी होगा। आप नेक्स्ट जब मैं बजट के लिए आऊँगा, मेरे साथ चलेंगे, हम आपको विकास देंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।